वन एंड ऑल। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया एक भी नहीं पकड़ा जाता है तो ये बड़ी तश्वीश की बात है, क्योंकि नॉर्मल मिलिटेंसी में जब कोई मिलिटेंट मारता था तो कम से कम या उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या पकड़ा जाता था या मारा जाता था। लेकिन ये अजीब बात है कि दो हफ्तों में इतने इंसिडेंट हुए तो एक भी आदमी न पकड़ा गया और न उसका कोई क्लू। लेकिन मजम्मत सब ने किया, कंडम सब ने किया, और ये भी कहा कि इसकी वजह से कश्मीर के अवाम बदनाम होते हैं और जो वर्कर्स बाहर के हैं जो हमारी मदद करते हैं इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की सड़कें बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो अगर जब भाग जाएंगे तो हम पहले ही पीछे बहुत चले गए हैं तो और पीछे चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बाहर के आदमी को, अंदर के आदमी को मारने की तो हमेशा मजम्मत करते ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अब दूसरा उन्होंने शुरू किया कि दूसरे मज़हब के लोगों को मारना शुरू किया कश्मीरी मुसलमानों को, तो हज़ारों में उन्होंने पिछले सालों में मारा। लेकिन अब ये टारगेट है जिसमें सिख भी, कश्मीरी पंडित भी और बाहर वाले, ये एक नई फिलॉसफी है, तो इसकी मजम्मत भी है सभी लोगों को। इतने आवाम को और कश्मीर से बाहर भी जो हमारे लोगों को बताना चाहते हैं, कश्मीर के आवाम का इस किलिंग से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से मुल्क के लोग सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, उससे शायद 10 गुना लोग ज़्यादा यहाँ के आवाम सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीर के आवाम के ख़िलाफ़ है। डेवलपमेंट के बारे में सबने कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ टेलीविज़न में होगी, कोई डेवलपमेंट नीचे नहीं, ज़मीन पर नहीं है। गरीबी बहुत बढ़ गई है पहले से और कई जगह राशन नहीं पहुंचता। और एक चीज़ और बताई कि महंगाई जो है कमर तोड़, हर चीज़ दाल से लेकर सब्ज़ी से लेकर गोश्त से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर जितने भी करेंसी आयल है वो सब में महंगाई है। तो आमदनी कम हो गई है और ख़र्चा उससे 4 गुना बढ़ गया है। तो ये तश्वीश जाहिर की है वहाँ। और इलेक्शंस के बारे में कहा है कि जितना फौरी तौर पर इलेक्शन हुए और जमहूरी और यहाँ के लोगों को भी जिम्मेदारी रहनी चाहिए और स्टेटहुड सबसे पहले उसमें बगैर किसी विलंब के टाइम ज़ाया करने के स्टेटहुड इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कभी हमेशा इलेक्शन रिलेटेड होते हैं मिलिटेंसी से, मिलिटेंसी कभी बढ़ गई तो इलेक्शन आगे चलता है, मिलिटेंसी कम हो गई तो इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेटहुड हो, बल्कि कहा कि स्टेटहुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा इक्तिसादी तौर पर हालात ठीक हो सकते हैं। तो ये 4 दिनों का मेरा कश्मीर के टंगदार से लेकर और अनंतनाग तक, कुपवाड़ा से लेकर अनंतनाग तक, साउथ नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के आवाम जो मिले उनका तमाम चीज़ें कहना था। और मेरे ख्याल में यही चीज़ें सब वाजिब चीज़ें हैं जो यहाँ की यूथ के लिए ठीक हैं, डेवलपमेंट के लिए ठीक हैं और फौरी तौर पर स्टेट में माहौल ठीक करने में ये तमाम चीज़ें अमल में ला सकती हैं। सर, डू यू थिंक दैट द स्पेट ऑफ किलिंग्स, द सिविलियन किलिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस इज एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, हाउ डू यू सी दिस? नो, एज आई हैव सेड इन द बिगिनिंग ड्यूरिंग माय 4 डेज आई विजिट टू श्रीनगर, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द लीडर्स वर्कर्स of 10-11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban district. I think I met thousands of people, as many as 60-170 delegation over a period of 2 days, and each day I spend about 10 to 12 hours
So it was of course an eye-opener because a lot of people, and one thing is clear that everybody has condemned this targeted killing and prison killings across the state, the Muslims, Hindus, Sikh, Kashmiri Pandits. And they are equally concerned like the rest, the people from this part of the country. But rather they are more concerned because they said the backlash will be in the certain area, not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also. Backlash of different types. So I think the entire way